क्या हो रहा है आज घर में? मतलब पहले तो मारने की कोशिश की गई शशि जी को, आज वो कोमा में आकर इशारा भी किसी की तरफ कर रहे हैं, जिस वजह से आप गुस्सा भी हो गए, तमाचा भी जड़ी है। क्या हो रहा है, अगर थोड़ा सीन के बारे में बताएं। आज मैंने वेदिका को जज साहब पर अटैक करते हुए देखा, आई मीन अटैक करते नहीं देखा, बट वो अटैक जिस चीज़ से किया गया था, वो गुलदान मैंने उनके हाथ, वेदिका के हाथ में देखा, और मुझे लगता है कि वो अटैक वेदिका ने किया है। और उसके बाद में अभी जज साहब को थोड़ी देर के लिए होश आया, साहिल के पापा को थोड़ी देर होश आया, तो उन्होंने उंगली उठाकर बताया, जबकि अवंतिका पीछे खड़ी हुई थी, तो वो उंगली अवंतिका के लिए थी, बट हम सब ने सोचा वेदिका ने किया। और मैं तो पहले से, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा था, तो उस बात पे मुझे यकीन होता है, और इसलिए मैं उस पर गुस्सा कर रही हूँ। और मैंने उसको जड़ा एक दो, और फिर जब पता लगा कि साहब साहिल के पापा कोमा में पूरी तरीके से चले गए हैं, तो फिर मुझे वो सदमा हुआ और मुझे अटैक आ गया। मैं अस्थमा का पेशेंट बताया मुझे इस सीरियल में, तो वो अस्थमा अटैक आया और मैं बेहोश हो कहीं ना गया। कहीं। लेकिन वेदिका ही आपको वहाँ पे भी संभाल रही है, पर अवंतिका एक प्लान चल रही है, मतलब साजिश बहुत बड़ी इसके खिलाफ, कि वो सारी पावर ऑफ अटॉर्नी अपने नाम कर लेती हैं, वो भी इस नाम से कि शशि जी ने कहा है। मैं ऐसा मानती हूँ, पूरी दुनिया में दो ही पावर हैं, अच्छाई और बुराई, नेकी और बदी। तो नेकी अपना काम करती रहती है, अच्छाई अपना काम करती रहती है, बदी अपना काम करती रहती है, क्योंकि बदी और बुराई जो है वो खूबसूरत होती है और ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है, तो इसलिए सब बुराई पे जल्दी यकीन कर लेते हैं, और सच्चाई जो कि साफ सच्ची होती है, सत्य होती है, वो सामने आके ही रहेगी, तो उसको बेचारे को थोड़ा सा सफ़र करके आना पड़ता है, तो सच तो सामने आएगा। वेदिका अच्छी है तो इसलिए उसको ये सब झेलना पड़ रहा है, बुराई चप्पल चला के छोटी कामयाबी को बड़ी समझते हैं, लेकिन आगे जाकर गड्ढे में गिर जाते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। आज की शादी के बारे में बात करेंगे कि आज गीत की शादी हो चुकी है, घर वालों के अगेंस्ट? हाँ जी, हो चुकी है, शादी भी हो गई है, अब आगे के फंक्शंस हो रहे हैं, सब बहुत खुश हैं। सो, जो मैं चाहती थी वो भी हो गया, मेरी राहुल की शादी हो गई, मुझसे बहुत प्यार करती थी तो, और भैया भाभी ने मेरा सपोर्ट करा, फिर घर वाले भी मान गए धीरे धीरे, तो अब सब कुछ ईजी हो, अच्छे तरीके से हो रहा है। आज भाभी का पहली बार डांस देखने को मिल रहा है। भाभी तो बहुत अच्छी डांसर है, आज पता चल गया, मतलब उनको कोई कंपटीशन ही नहीं दे सकता। सोचा था कि करूँगी डांस, बट नहीं हो पाया, क्योंकि भाभी इतनी अच्छी डांसर है, सो देख के तो मज़ा ही आ रहा है, और इन्जॉय बहुत कर रहे हैं भाभी को देख के। अच्छा, इन खुशियों के बीच में कोई रंग में भंग डालने आ गए पापा जी, आ गए जिनके ऊपर भाभी जी गिर चुकी हैं? हाँ, मेरे ताऊ जी आ गए हैं, क्योंकि अभी तक ताऊ जी शादी में नहीं थे, तो ताऊ जी आए हैं, उनको कुछ पता ही नहीं था कि घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ताऊ जी आए हैं, तो देखो कुछ कुछ तो होने वाली है, और बहुत गंदी गड़बड़ होने वाली है, तो कुछ पता नहीं होगा। अच्छा, अभी तक भाभी ने काफ़ी सपोर्ट किया था यहाँ पे, आपका कुछ फर्ज बनता, आप क्या करने वाले हैं, क्योंकि एक मुसीबत में फंस चुके हैं? अभी तक तो मुझे सच में कुछ पता नहीं कि मैं कैसे सपोर्ट करूँगी भाभी को, बट आई होप सो कि मैं ज़रूर सपोर्ट करूँ भाभी को और हेल्प करूँ, कि अब ताऊ जी उनको कुछ ना बोले, क्योंकि उन्होंने मेरे को घर लाने में, सबको मनाने में बहुत हेल्प करी है, तो आई होप कि अब ताऊ जी भी मान जाए और सब कुछ अच्छे से हो और मेरी विदाई हो जाए अच्छे से। अच्छा, गीत पहले तो एक सिंपल सी लड़की, तब शादी हो गई, गले में मंगलसूत्र, मांग में सिंदूर, सब अब शादी हुई है तो लुक भी तो चेंज हो गया ना थोड़ा, उसके बारे में थोड़ा डिस्क्राइब करें। सो अभी क्या है कि मुझे बहुत, अभी धीरे धीरे अच्छे अच्छे सूट कलर बहुत वाइब्रेंट मिले हैं, चूड़ा दिया है, मेहंदी लगी है, और ये फिर इंगेजमेंट रिंग डायमंड की, और सिंदूर लगा है, तो हाँ थोड़ी ज्वेलरी मेरी काफ़ी हैवी कर दी है, हेयर स्टाइल चेंज कर दिया है, थोड़ा मेकअप भी हैवी कर दिया, क्योंकि ऑफकोर्स नई दुल्हन तो सिंपल तो नहीं रह सकती, तो नई दुल्हन को और सजा दिया है और सुंदर बना दिया है, क्योंकि अभी तक गीत को ऐसे दिखाया था बहुत सिंपल, जो बहुत कम बोलती थी घर पर रहने वाली लड़की, अब धीरे धीरे चेंजेस लाए हैं, अब देखो आगे। ये मैडम तो शादी वादी निपटा के घर आ गई है सीधे, किस तरह का गुस्सा आपका? बहुत बहुत स्वागत है आपका हीरो। एंगेजमेंट से पहले ही बड़ा धमाका हो गया, सबसे पहले वो धमाका क्या जानना चाहेंगे? सो बेसिकली कि अब
मेरे और राहुल के बीच में जो कुछ भी हुआ वो किसी ने रिकॉर्ड कर लिया और वो लीक हो चुका है। अब तनुज धमकी दे रहा है भाभी को कि अगर उन्होंने उसकी बात नहीं मानी तो वो मीडिया में लीक कर देगा मेरा MMS। तो अगर वो उस चीज़ से कि लोगों तक ये बात ना पहुँचे, मेरी बदनामी ना हो, घर की इज्जत भी बचाए, उन्होंने खुद की इज्जत अपनी दाव पे लगा दी। तो भाभी मेरे सपोर्ट में गई थी लेकिन अब खुद फंस गई है। वहाँ बहुत लड़ाई हुई, पंगा हुआ, लेकिन फाइनली भैया आए बचाने भाभी को। सो मैं भी गई कि नहीं, एटलीस्ट भाभी ने मेरा सपोर्ट करा है तो मेकअप उनको मेरा सपोर्ट चाहिए। तो मैं गई वहाँ सपोर्ट करने भाभी का। जिस तरह से वहाँ पहुँची हैं और आप भी आप जाके उनका सपोर्ट किए हैं, आगे फिर क्या होने वाला? आगे अब फाइनली जब सब कुछ अच्छा हो गया है तो अब देखो एंगेजमेंट होगी अभी, तो अब फिर शादी होगी। शादी में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, अभी तो एंगेजमेंट हुई है, अभी धीरे धीरे शादी होगी। शादी में क्या प्रॉब्लम्स आएगी, कैसे होगा, अभी किसी को कुछ नहीं पता कि क्या होने वाला है आगे। तो फिर देखो कैसे होता है, बट आई थिंक सरप्राइज ही मिलने वाला है सबको क्या होगा आगे। तो थैंक यू। उल्टा होना चाहिए था कि मे बी बहन को भाई को पकड़ना चाहिए था, लेकिन भाई प्यार में है वेदिका के तो भाई तो ऐसा करेगा नहीं, लेकिन बहन को पकड़ा। और अगर करो ना तो बोलता कि यार इट्स ओके, करना चाहिए सब, लेकिन हम टीवी करते हैं तो कभी कभार बोलना पड़ता है कि ऐसा मत करो। तो मैंने खाली ये पूछने की कोशिश की कि है कौन वो, अगर प्यार करता है तुमसे, तुम्हारी इज्जत करता है बेशरम, तो उसे घर रिश्ता लेके आना चाहिए। जैसे वेदिका जी ने भी बताया उसे, क्या नाम है उसका, राहुल, कि अगर तुम वाकई में प्यार करते हो तो घर रिश्ता लेके आओ, फिर देखते हैं क्या होता है। तो आप पूरा सपोर्ट करने वाले हैं अपनी बहन को उसकी शादी के लिए? जी, मैं तो चाहूँगा कि गीत की शादी जल्दी से जल्दी हो जाए, क्योंकि मेरी शादी हो चुकी है, क्योंकि वो बहुत अलोन फील, ओनली फील कर रही है घर पे मेरे बिना। तो आंसू बहाती है वो लेकिन दिखाती नहीं है। तो मैं कहने के चाहूँगा कि गीत सेटल हो जाए, लेकिन एक सही लड़के के साथ ऑफकोर्स, जो मेरे तरह हो, रिस्पेक्टफुल हो और बेहद किसी से प्यार कर पाए और पूरी तरीके से प्यार कर पाए, लॉयल हस्बैंड। तो लास्टली आपको क्या लगता है कि घर वाले मानने के रिश्ते के लिए आप कितना सपोर्ट करेंगे, कितना मनाएंगे अपने घर वालों को? देखिए बड़ा ही सिंपल है, क्योंकि आजकल जो जनरेशन है भी, अगर बाहर देखने जाओ तो, अगर इनफैक्ट ये हो गया आजकल, कोई बाहर से अगर मैं अपने मम्मी को बोलूँ कि मुझे कोई पसंद है इन रियल लाइफ, तो वो बोलेगी कौन है वो, हमसे मिला तो सी एक बार, तो आई डोंट थिंक ऐसा कोई प्रॉब्लम होगा। लेकिन मेरी माँ शायद से कुछ ऑब्जेक्ट करे, कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे, और मेरी चाची भी, तो निपट लेंगे उनसे भी। थैंक यू, स्वागत आपका। थैंक यू। यू नो जब भी कुछ होता है सबसे पहले आप पर गिरता है, लक्ष्मी सब कुछ होता है, सबसे पहले तो आप कितनी यूज्ड टू हो गई इस सब। ये मेरा पेट नेम है, आप इसको गलत मत समझिए। कुल्टा, कुलक्षिणी, ये सब प्यार से मुझे बुलाते हैं वेदिका को। इतना पर्सनली अच्छा लगता है? बहुत बहुत, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि बिकॉज अभी अगर किसी का नाम साहिल हो और कोई उसे साहू बुलाए, अच्छा लगता है। वैसे ही है ये नाम, सो आप इसको गलत मत समझिए। चलिए आज जो फिर से एक बार वही अपने घर से वापस निकाला जा रहा है, ये तो मेरा घर है ही नहीं, मुझे तो वैसे भी किसी ने एक्सेप्ट किया ही नहीं था इस घर में। वो तो साहिल को भी बोल रहे थे जाने के लिए, वो तो इनको अस्थमा अटैक आ गया इसलिए साहिल रुक गया और उसकी वजह से मैं रुक गई। बट जो भी एक्चुअली जो किया है मैंने, वो एक तरीके से देखे तो गलत ही हुआ है, किसी और को लेने गए थे, किसी और को लेकर आ गए। सो आई डोंट थिंक आई हैव टू ब्लेम एनीबडी फॉर दिस बिहेवियर। परिवार में आपकी वजह से जो प्रॉब्लम आई थी, अब वो कैसे सॉर्ट आउट होगा? नहीं होगा, हम चले जाएंगे, इनकी शूटिंग की डेट्स नहीं यूज होगी क्या? उनका बेटा कैसे वापस होगा? वापस मैं आपके साथ चले आ रहा हूं। अभी तो आई थिंक हम मेरे घर जाएंगे, क्योंकि हमारे पास और कुछ है तो नहीं। और वहाँ जाके ऑफकोर्स वेदिका बींग वेदिका, वो यहाँ पे आके सबका दिल जीतने की कोशिश करेगी, क्योंकि साहिल को उसकी वजह से अपने ही घर से जाना पड़ा है, तो किसी भी लड़की को पसंद ना आई है। और स्पेशली वेदिका बींग द नाइस वन, और वो तो डिवोर्सी है, तो और साहिल उसे इतना प्यार करता है, तो उस वो भी साहिल भी दुखी होकर ही जा रहा है ना यहाँ से, तो शी विल मेक इट अ पॉइंट कि वो वापस आ रहे हैं। आज क्या हो गया है आपको, मतलब ये क्या कर रहे हैं वेदिका के साथ में जिंदा जलाने की कोशिश हो रही है? अब वेदिका मुझे छोड़ के साहिल के पास चली गई थी, तो मुझे भी जलन हुई थी, मुझे भी बुरा लगा था,
तो कहीं ना कहीं वेदिका को इसका नतीजा तो भुगतना पड़ेगा, तो इसलिए ये उसको सबक सिखाने का तरीका है। ऐसा ये मेरा तरीका, ये मेरा स्टाइल है, मतलब ये ऐसे प्यार चलाता है। आपको जलन हुई तो आप उनको जिंदा जला रहे हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं जला हूँ, मतलब मुझे जलन हुई है तो उसे भी जलन का एहसास होना चाहिए। लेकिन हमेशा की तरह हीरो आकर हमेशा हीरोइन को बचा लेते हैं, तो साहिल भी पहुंच चुके हैं वहां वेदिका को बचाने के लिए, तो क्या होगा आगे? बचाने दो उसे, कितनी बार बचाएगा, आज बचा लेगा, फिर कल बचा लेगा, 10 बार बचाएगा, जितनी बार बचाएगा उतनी बार उसे मार। लेकिन हीरो अगर बचा लेगा तो विलन हमेशा हीरो को मात देने के लिए कुछ ना कुछ करता है, तो विलन हमेशा हीरो से एक कदम आगे ही रहेगा। एक्शन इनिशिएट विलन से ही होता है, तो विलन हमेशा एक कदम आगे ही रहेगा उससे। वो अबकी बार बचाएगा, फिर अगली बार मैं कुछ और करूंगा, फिर कुछ बचाएगा, फिर अगली बार बचाएगा, फिर मैं कुछ और करूंगा। कभी उसे हो सकता है उसे किसी बिल्डिंग से फेंक दूं, या कुएं में फेंक दूं, हाथ पैर बांध के कुएं में फेंक दूं, या कुछ भी हो सकता है। तो कितनी बार बचाएगा, 10 बार बचाएगा, 50 बार बचाएगा, बचा लेगा। थैंक यू सो मच। उसकी न्यू एंट्री हुई है और टीम में वेदिका के लिए, तो क्या कुछ चल रहा है, क्यों एंट्री हुई है उनकी आज? क्यों एंट्री हुई है? ये वेदिका को वापस लेने आया है। वेदिका इसकी एक्स वाइफ है, और अभी साहिल और वेदिका की शादी हुई है, तो इतनी आसानी से ये वेदिका को छोड़ेगा, उससे दूर नहीं, उसको अपने आप से दूर नहीं जाने देना चाहता है, इसलिए उसको वापस लेने के लिए, अपनी ज़िंदगी में वापस लेने के लिए वापस। लेकिन तनुज भी बात अच्छी तरह से जानते हैं कि इनका डिवोर्स हो चुका है। किसने बोला आपके प्रूफ है? वे आप सीन में वो देख रही है, प्रूफ मांग रहा, किसी का प्रूफ नहीं है, तो क्या प्रूफ है? लेकिन वेदिका जहाँ तक कह रही है, तो तनुज की प्लानिंग क्या है इतने दिनों से? नहीं उनका बात कभी नहीं आने का रीजन क्या है, किसके कहने पर? मेरी मर्जी, मुझे आज याद है, मैं आज किसी के पास प्रूफ है कि मेरा डिवोर्स हो, किसी के पास प्रूफ नहीं है, याद है कि वेदिका के पास भी प्रूफ है। अगर प्रूफ है, अगर साबित कर सकते कि हमारा डिवोर्स हो, साबित कर दो, मैं चले जाऊँगा। कह रहे थे कि तनुज पूरी प्लानिंग के साथ अपनी वेदिका का लेके ही जाएंगे घर से। तनुज जो करता है पूरी प्लानिंग के साथ। साहिल कहीं ना कहीं रोका बन सकते हैं इन सब चीज़ों में, क्योंकि साहिल ने बहुत प्यार करते हैं वेदिका। प्यार करता होगा, मुझे उससे क्या, बीवी तो मेरी है, उसको मैं लेके जाऊंगा, वो प्यार करता होगा, मुझे उससे क्या मतलब। ओके, थैंक यू सो मच। वो तो आई थिंक एक्सपेक्टेड था, क्योंकि वेदिका ने तो रीज़न भी नहीं बताया था कि वो शादी के मंडप में क्यों बैठी थी, क्योंकि अपनी छोटी बहन है वो, छोटी बहन, बड़ी बहन के लिए छोटी बहन यूजुअली एक बच्ची जैसी ही होती है, तो उसको बचाने की कोशिश कर रही थी। उसने उनको भी नहीं बताया, साहिल को भी नहीं बताया कुछ, पर अब क्योंकि वो छोटी थोड़ी सी पैम्पर्ड है, तो उसको थोड़ा सा ठीक करने के लिए उसने बता दिया माँ बाप को, और माँ बाप भी उसको ब्लेम कर रहे थे, तो उससे रहा नहीं गया और उसने सब बोल दिया कि वो वैसे भी अगर शादी करती भी तो वो शादी सक्सेसफुल नहीं होती, तो बचाने के लिए, साहिल को भी बचाने के लिए और सबकी इज्जत बचाने के लिए उसने शादी कर ली। क्योंकि जैसे आप तो सबका भला चाहते हो, स्पेशली अपने परिवार का, कि इज्जत ना मतलब ख़राब हो, उसलिए आपने शादी कर दी, लेकिन यहाँ बहन आपको ही खरीद होती सुनाई, इसलिए तो कितना भी मतलब गुस्सा एक बार टूट ही जाता है लिमिट। हाँ, वही तो हुआ ना, कि यही सोचा होगा वेदिका ने कि वो नहीं बताएगी इसके बारे में किसी को भी, क्योंकि फाइनली तो वो है उसकी बहन, पर अब वो उससे नहीं कंट्रोल हुआ तो उसने बता दिया सच। ये जो तमाचा फैला, तमाचा जिस बच्ची, मतलब बहन जिसको आपने कहा कि आप बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड करके रखा था बच्चों की तरफ, उनके लिए क्या उसी पर हाथ भी उठा दिया? हाथ तो उठता है नॉन लोगों, मतलब जिससे प्यार करते हो उस पर उठना फिर भी एक जस्टिफिकेशन होता है, अननोन लोगों पर थोड़ा सा आता है, पर क्योंकि ये बहन है, अपनी है, हाथ उठा दिया इसका मतलब ये नहीं कि रिलेशन ख़त्म हो गया। हाथ तो गुस्से के मारे उठ जाता है छोटी छोटी बहन पर। तो आज जो सीक्वेंस काफ़ी मतलब हंगामा हो रहा है, काफ़ी तहलका हो रहा है, वेदिका से शादी तो हो गई लेकिन अब माँ जी तो काफ़ी नाराज नजर आ रही है क्या? अरे बाप रे, मैं शादी करने आई थी किसी और से और साहिल की शादी हो गई वेदिका से, ये ऊपर वाले की मर्जी से शादी, मतलब मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ।
ना होश में हूँ ना बेहोश हूँ। ये तो ऐसा चीज हो गया कि जिस चीज से डर लग रहा था वही आपके सामने खड़ा हो गया। भूत 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 भूत, और अचानक से वो भूत सामने खड़ा हो जाए तो फिर सोचिए उसकी क्या हालत होगी। ऐसी हालत है लेकिन साहिल वेदिका की शादी होगी, साहिल भी कहीं ना कहीं वेदिका के पक्ष में नजर आ रहा है, वेदिका को अपनाने के लिए तैयार। यही तो मुश्किल है, मुश्किल तभी तो भक्ति है। यही तो है कि बेटा मेरा जो है वो साहिल के वेदिका के पूरी तरह पक्ष में है, और यूं माए बेटे को बर्बाद होकर नहीं देख सकते। तो हमारी धारणा है ये कि लड़का हमेशा बड़ा होना चाहिए, छोटी होनी चाहिए, और दुहाजू यानी कि डिवोर्सी या तलाकशुदा को एक्सेप्ट नहीं किया जाता। मैं भी नहीं कर रही। कहने में वेदिका ने जो इस तरह का जादू कर दिया है, भस्म कर दिया है कि साहिल अपनी माँ के खिलाफ चला गया। ये पिछले जन्म का कुछ है उनका कनेक्शन, जिसकी वजह से वो इतने स्ट्रांगली एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कि कुछ ना होते हुए भी उनको लगता है कि सारा जहान सारी दुनिया यही है। उसमें फिर माँ पुराने जन्म की माँ बाप छोड़ गए, इस जन्म में आ गए, तो माँ बाप से ज़्यादा बड़ा रिश्ता उनका ये, वो एक रिश्ता फॉलो कर रहा है, मोहब्बत और प्यार का रिश्ता। लेकिन मेरे लिए बहुत ही खतरनाक वाली स्थिति है कि मैं न जी पा रही हूँ न मर पा रही हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। बेटे को तो कुछ किया नहीं सकती, लेकिन हाँ वेदिका सारा कसूर वेदिका का है, ऑब्वियसली औरतों का होता है सारा कसूर। ये हम सब हमारा समाज हमारी दुनिया मोस्टली सब लोग यही समझते हैं कि औरत ही कसूरवार है, लेकिन बेटे ने उसको प्रोवोक किया है शायद, उसने उसने कदम उठाया होगा। तो अब यहाँ से माँ आपका किस तरह का किरदार होगा, ये वो क्या मतलब वेदिका को अपनाएंगी या नफरत करेंगी, क्योंकि घर में तो आ गई है वेदिका। नहीं नहीं बहुत नेगेटिव होने वाला है, मैं बिल्कुल भी किसी भी सूरत में उसको एक्सेप्ट नहीं करूँगी। और फिर चलेगा घमासान, जैसे हम तो खैर दूसरी पारी खेल रहे हैं, मैं और सुहासी दूसरी पारी है, यहाँ में घर घर खेली मैं, हम दोनों आमने सामने। एक बार फिर तकरीबन 7 साल बाद हमने एक ही फ्रेम एक फेस किया है, तो फिर वो पुरानी वाली जो है वो टशन वापस निकलेगी। तो अभी जब मैं पहली बार उसी को चलाई तो मैंने कहा था, मैंने कहा आ गई मैं फॉर्म में, अब मैंने कहा औकात पे आ गई, अब अभी तक मैं जान प्यार सी करी थी, अब औकात पे आ गई, देख लीजिए अब समझ जाओ। थैंक यू, थैंक यू। रीबूट किया है तो हमारी ज्वेलरी भी रीबूट हुई है, सो या आई एम ऑल डेक्ड अप, नोज एंड ये सर में मांग टीका एंड हाथ में मेहंदी एंड एवरीथिंग। लास्ट कैसी हुआ ये शादी का दुल्हन बदली वाला ड्रामा एंड स्यापा, हम कह सकते हैं सब तो किस्मत। ऑफ कोर्स अवंतिका भाग गई और वेदिका को इस हाल में छोड़ गई कि उसको पता भी नहीं चल रहा था कि वो कैसे बोले किसको बोले, और उसको ये हमेशा उम्मीद थी कि फेरे या मंगलसूत्र ये सब के पहले अवंतिका आ जाएगी, कैसे भी करके वो रूम में जाएगी अवंतिका को भेज देंगे, बट अवंतिका आई नहीं। थैंक यू। बिल्कुल लगनी तो मुझे चाहिए लेकिन लग रही है दीदी को, तो इसके पीछे क्या भगवान की मर्जी है वो तो जाना पड़ेगा। लेकिन अवंतिका ने ठान ली कि शादी तो साहिल से ही करेगी, तो देखते कितना नमक मसाला क्या क्या तड़का मरता है और क्या होने वाला है वो जानने के लिए ऑब्वियसली आपको देखना पड़ेगा अवंतिका क्या क्या खेल रचती है और कैसे साहिल को पाती है। वैसे खेल रचने से पहले भी एक संकेत भी हो रहा है जो अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल, और मैं खुद भी बहुत इन्जॉय कर रही हूँ क्योंकि ऑब्वियसली मेरा प्लान सक्सेसफुल होने वाला है, मेरी शादी साहिल से होने वाली है क्योंकि वो रिच है, हैंडसम है और अवंतिका को तो ही चाहिए। कैसे
वो तो मुझे नहीं पता है, साहिल अवंतिका से क्या बात करने वाला है वो तो अभी राज है, अभी देखते हैं क्या होता है, क्योंकि अब मुझे भी नहीं पता कि साहिल मुझसे क्या बात करने वाला है। सो लेट्स सी। अच्छा लास्टली पूछना चाहेंगे अवंतिका की बड़ी बहन वेदिका, लेकिन क्या इसका नेगेटिव रोल देखने मिलेगा अवंतिका को साहिल को पाने के लिए? बिल्कुल, क्योंकि अवंतिका बहुत जिद्दी है और बहुत लाड से उसे पाला गया है, और दीदी तो उसकी इतनी फेवरेट है कि मतलब उसको पता है कि उसकी दीदी उसकी हर बात मानेगी, लेकिन अगर उसकी दी उसके यू नो उसकी चीज़ों के आगे आएंगी तो आई डोंट थिंक वो उसको भी छोड़ेगी। सो अवंतिका इज़ वेरी सेल्फ ऑब्सेस्ड एंड वेरी यू नो मतलब ही है, सो देखते हैं। लुक तो वेल मेरा गोल्डन एंड क्रीम ब्लाउज है एंड दिस ऑरेंज लहंगा व्हिच आई दिस इज माय फेवरेट ऑरेंज एंड बहुत ही सिंपल दिस चोकर एंड झुमका। आपका जो नेकलेस है वो भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। या इट्स अ चोकर, इट्स अ कुंदन चोकर। द रिंग रिंग इज आल्सो वेरी गुड। या आई लाइक दिस वन। चेयर साइड कर दो तो बहुत अच्छे से पूरा आप चाहते कि पूरा काम यस ओके स्टैंडर्ड।